देशवाद देशवाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा रिश्ता क्या? मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस जिंदगी की कीमत क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसा कि हमने तमाम PS111 के और 110 के लोगों से ये अपील की थी कि वो तीन तलवार पे आएं। खान साहब पे जो हमला हुआ है वो काबिले मुजम्मत है और हम इसकी सख्त मुजम्मत करते हैं और एहतजाज के तौर पे एक पुरमन एहतजाज हम तीन तलवार पे कर रहे हैं। मेरी तमाम वर्कर्स से तंजीम से सब यहाँ पहुँचे। इस वक्त सख्त ज़रूरत है खान को आपकी, खान आपके लिए खड़ा था। खान आज जिस मकसद के लिए निकला था वो हमारे और आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, वो पाकिस्तान के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा था। तो ये जो भी कानूनी हरकत कर लें राना सनाउल्लाह, तुम ये जान लो तुम्हारी ये बदमाशी अब नहीं चलेगी। ये जो हरकत हुई है ये तुम इसके जिम्मेदार हो, तुम धमकियां दे रहे थे पिछले एक महीने से। मैं यहाँ पर तमाम कराची हाइट से जो अतराफ के क्रिप्टन और डिफेंस के लोग हैं सब निकले और खान के लिए खान के साथ भरपूर यकजहती का मुजाहरा करें। हम इंशाल्लाह ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, हम खान के साथ खड़े थे खड़े हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कुछ भी लोग कह रहे थे कि इन लोगों ने इस पर अमल करने की कोशिश की है। हम बार बार कह रहे थे कि ये हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस मत कीजिएगा, लेकिन ये बहुत ही घटिया लोग हैं, इनको आवाम की ताकत का अंदाज़ा नहीं है और इनके पास कोई जवाब नहीं था इमरान खान साहब की बातों का। ये दो नंबर चीटर और फ्रॉड ये लोग हैं, ये कातिल हैं, इनको पहले भी प्रोटेक्शन मिलती रही है। अगर आप प्रोटेक्शन इनको देने की कोशिश की गई तो ये मुल्क भी देखेगा और पूरी दुनिया देखेगी कि क्या हुआ है। इन्होंने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है, हमारे चेयरमैन पर इन्होंने हमला किया है। हम किसी सूरत में जो है ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और हम उनको बताएंगे कि हम क्या चीज़ें जो ये समझते हैं कि हम कोई बहुत नरम की रहे हैं कि कोई हम सियासी तौर पर जो है जंग लड़ रहे थे। तुम्हें हमें दूसरी तरह धकेलने की कोशिश की है, इसका अंजाम तुम अभी बहुत अच्छी तरह देखोगे कि क्या होने वाला है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा आइंदा के तुम्हारी सियासत भी खत्म होगी। इसी हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, हम इमरान खान साहब की सेहत का इंतजार कर रहे हैं। उनकी तरफ से हमें जो है अभी जो भी इंस्ट्रक्शन आने वाली है, अभी उनका ऑपरेशन हो रहा है शौकत खाना में, इंशाल्लाह ताला पूरी कौम से अपील करता हूँ दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे चेयरमैन को सेहत अता फरमाए और इस मुल्क को बचाए, क्योंकि इन लोगों ने डायरेक्ट बराह रास्त मुल्क की सालमियत पर हमला किया है और ये हमला जो है बहुत खतरनाक है। इस हमले को जो है ये मुल्क की जो है मुल्क की सालमियत पहले लेकर आ गए इस बात को, और ये राना सनाउल्लाह जो गीदड़ भक्तियाँ दे रहा था बेगरत इंसान, इसने आज जो हरकत की है इसका जवाब इसको सारी जगहों पर देना पड़ेगा, इसको अपने घर पर जवाब देना पड़ेगा और इनको सब पर जवाब देना पड़ेगा। तुमने बराह रास्त हम पर हमला किया है, हम तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे किसी जगह पर। अब ये पॉलिटिकल मामला नहीं रहा, ये सियासत नहीं है, तुमने हमारे साथ दहशतगर्दी की है। और अगर मैं सबको बता रहा हूँ इस बात के लिए, अगर उन्होंने इस बात को इस पर कदम नहीं उठाया और इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार नहीं किया और इस हुकूमत को खत्म नहीं किया, इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को, तो ये अंजाम पूरे मुल्क में देखा जाएगा इनका अंजाम हम क्या करेंगे इंशाल्लाह।
ये बेनजीर वाला वाक्य आप ये ध्यान में रखें, आप वापस को अगर कन्वर्ट करने की अगर वोट करने की कोशिश करेंगे तो अच्छी बात है। इस वक्त जो है सारे मुस्तैद हैं, एक शारे बदल बंद होने से क्यामत नहीं आ रही है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होगी, मुझे मालूम है आपकी जिम्मेदारी। क्या क्या कह रहे हैं क्या?